बचपन में देखते थे कि काफ़ी लोग नहाने आते थे, आज के दिन कम से कम 7-8 हज़ार आदमी कुड़िया घाट में नहाता था, 70-78 घाट हुआ करते थे। लेकिन मौजूदा समय में नदी की गंदगी को देखते हुए, जब से अखिलेश गवर्नमेंट आई तब से नदी को देखते हुए ये प्रतिदिन प्रतिदिन आदमी कम होते गए, और आज कंडीशन ये है कि अगर हम लोग सब्जी ना बेचें या कुछ अन्य कार्य न करें तो शायद घर के चूल्हे भी न जलें, क्योंकि नदी के किनारे इतनी गंदगी है। ये उम्मीद जरूर की थी बीजेपी गवर्नमेंट से कि योगी जी गद्दी पे बैठेंगे तो संभव शायद गोमती कुछ साफ हो और कुड़िया घाट वालों का उद्धार होगा, लेकिन मौजूदा समय में तो देखते हुए लगता है कि हम लोगों का उद्धार नहीं होगा और बल्कि हम लोग पतन की तरफ जो जा रहे हैं वो जाते रहेंगे, क्योंकि नदी इतनी गंदी है। नदी के जो कारोबार हैं, यहाँ हमारी अपनी नावें चलती थी, आज नाव के नाम पर लोग कहते हैं कि नदी गंदी है भैया, नाव पे कौन घूमे। जिन नावों की लाइफ कभी 25 साल हुआ करती थी, आज उन नावों की लाइफ भी 3 साल बची है, क्योंकि पानी इतना गंदा है चद्दर भी सड़ जाती है। कंडीशन यहाँ की बहुत ख़राब है, यहाँ कोई नहाने इसलिए अब नहीं आ रहा है कि यहाँ की गंदगी बहुत है, और काई और गंदगी के कारण यहाँ लोगों ने नहाना बहुत कम कर दिया। पहले यहाँ बहुत लोग आते थे, अब भी आते हैं, कभी कभी जब सफाई होती है तो आते हैं, लेकिन ऐसी गंदगी में कौन आए नहाने। प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ नहीं है, एक दो दिन के लिए सफाई की जाती है फिर वो गंदगी आ जाती है, फिर सफाई की जाती है फिर, लेकिन वो रेगुलर काम नहीं होता है यहाँ पे।